मिशन रिपीट पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। 11 बजे वॉर रूम पहुंचेंगे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगी। कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं प्रभारी रंधावा। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं, बैठकें आयोजित की जा रही हैं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ। तीनों प्रभारी जो हैं लगातार अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, जिसके चलते लगातार जो है मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, बैठकों का दौर जारी है। और इसी क्रम में आज 11 बजे वॉर रूम पहुंचेंगे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके साथ मौजूद रहेंगी सह प्रभारी अमृता धवन। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, स्थितियों को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार जो है मंथन किया जा रहा है कि कड़ियों को जोड़ते हुए राजस्थान में सरकार को रिपीट किया जाए, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जो कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में जो जिम्मा संभाल रखा है, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जिलों में बैठकर ले रहे हैं। और प्रदेश प्रभारी रंधावा बीते 3 दिनों से राजधानी जयपुर के अंदर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जो कांग्रेस के नेता है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति पर और राजस्थान में किस तरह सरकार रिपीट करे इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज भी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश प्रभारी अमृता धवन दोनों जयपुर में हैं और फिलहाल जो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद वो रूम में जाने का जो कार्यक्रम आज का भी तय किया गया है, जिसमें अमृता धवन और प्रभारी रंधावा दोनों के बीच प्रदेश के जो 11 जिलों की जिम्मेदारी अमृता धवन को दी गई है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ साथ आगे किस तरह से विधानसभा सीटों का वितरण किस तरह से किया जाए तो इन सब मामलों को लेकर भी चर्चा होगी। साथ साथ इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही आज राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी की किस तरह की स्थिति है, विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या स्थिति है और मौजूदा विधायक है उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा है आज ये की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान की ओर से दी गई है तो उसके तहत लगातार प्रभारी और सह प्रभारी राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज 11 बजे वॉर रूम पहुंचेंगे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके साथ मौजूद रहेंगी सह प्रभारी अमृता धवन और लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस को रिपीट किया जाए।